जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग, जैसे लास्ट क्लास में मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा रहा था, इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन के बहुत सारे फार्मूले आपको मैंने बताए थे कि जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, एक्स टू दी पावर एन का होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, sec स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot एक्स हो जाएगा, ऐसे करके तरह तरह के आपको फार्मूले मैंने बताए थे। तो उनपे कुछ कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी कराई थी, कुछ हम लोग और सवाल करेंगे जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन जो है उसको और अच्छी तरह से देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो कुछ और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे सपोज करिए कि हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 3 cos ऑफ 5x प्लस 7dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इसका अगर यहां पर cos x dx होता तो मैं सीधे sin x कर देता, लेकिन यहां पर 5x प्लस 7 आ गया, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। इसमें हम ये एज्यूम कर लेंगे कि u जो है इसको मैंने 5x प्लस 7 मान लिया, ये जो 5x प्लस 7 था इसको u मान लिया मैंने, तो du अपॉन dx जो आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, और dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du अपॉन 5, dx जो आएगा वो du अपॉन 5 के बराबर जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 cos ऑफ u इंटू dx हो गया, ये 5x प्लस 7 को मैंने u मान लिया था, तो dx, अब dx की जगह हम du अपॉन 5 कर देंगे, तो यही बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3 cos u इंटू du अपॉन 5, 3 बाई 5 बाहर चला जाएगा, 3 बाई 5 बाहर चला गया, और cos u का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin u, ठीक है, और इसके अंदर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो अलग से आता है। अब उसमें u जो है, इस u को हम लोग 5x प्लस 7 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 sin ऑफ 5x प्लस 7 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक इंटीग्रेशन बड़ा काम का होता है जो अक्सर क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, वो इंटीग्रेशन मैं आपको बता दूं, मतलब अभी तो मैं उसको एक क्वेश्चन के तौर पे आपको करा रहा हूं, लेकिन ये बार बार सवालों में इस्तेमाल होता है, तो इसको मैं करने जा रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी, इसको याद रखना है, बहुत सारे सवालों में फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन ए ln ऑफ ए एक्स प्लस बी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो खैर हमेशा ही रहता है। ये आया कैसे, ये मैं आपको सिखा देता हूं। तो ये ए एक्स प्लस बी जो है इसको मैंने यू मान लिया, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ए एक्स प्लस बी को मैं यू मान लूंगा, ए एक्स प्लस बी जो है इसको मैंने यू मान लिया, तो डी यू अपॉन डी एक्स जो आएगा That will be equal to a। अब इंटीग्रल ये वाली जो चीज थी इसको अगर मैं यहां लिख रहा हूं, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx, dx की जगह हो जाएगा du अपॉन ए, और ax प्लस बी की जगह u आ जाएगा, ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u, ये आ जाएगा, जिसे dx जो था उसकी जगह du अपॉन a कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a du अपॉन u। अच्छा 1 अपॉन a तो ये 1 अपॉन a है, इंटीग्रल du अपॉन u जो है ln u हो जाएगा, प्लस c, u की जगह हम फिर से भी रख देंगे ax प्लस b, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a ln ऑफ ax प्लस b प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है इंटीग्रल, ये इसको आप एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे। आगे फिजिक्स में कई जगहों पर, कैपेसिटर में, करंट के चैप्टर में ये आएगा, वेव के अंदर आएगा, कई सारी जगहों पर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एल एन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला आ जाता है। तो जैसे इंटीग्रेशन देखा हम लोगों ने, इंटीग्रेशन क्या होता है, जितना भी फिजिक्स में इंटीग्रेशन काम का होता है वो हमने देखा। मैथ्स में जो इंटीग्रेशन आप पढ़ेंगे वो तो बहुत भारी भरकम होता है, मैथ्स में तो मैथ्स वाले तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, उतना इंटीग्रेशन हमको नहीं पढ़ना है। जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड होता है उतना इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया। इंटीग्रेशन जो अभी तक हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसे हम कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल,
क्योंकि हर उसमें इंटीग्रेशन में आप देखिए एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आता था, तो वो इंडेफिनिट थी, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती थी। अब हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसको हमने लिखा है डेफिनिट इंटीग्रेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स लगा देते हैं और उससे इसकी एक डेफिनिट वैल्यू आती है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो लास्ट में एक कांस्टेंट आ जाता था, अननोन कांस्टेंट आ जाता था, तो वो इनडेफिनिट था। ये वाला इंटीग्रेशन डेफिनिट है, इसमें एक फिक्स वैल्यू आएगी, एक डेफिनिट वैल्यू आएगी। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसका सिंबल होता है इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रल वाई वाई डी एक्स की जो वैल्यू है, ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए इंटीग्रल वाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही जेड। जब हम वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सपोज करिए कि जेड आ रहा है, तो ये जो ए है इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, ए का नाम है लोअर लिमिट और बी का नाम है अपर लिमिट। तो मैं इनका नाम लिख देता हूं, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट, जो नीचे लगाई जाती है वो लोअर लिमिट होती है और जो ऊपर लगाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। अब मान लीजिए इंटीग्रल वाई डी एक्स की वैल्यू कुछ भी आई, जेड आ गई, ठीक है, तो इंटीग्रल वाई डी एक्स की वैल्यू जेड आ गई, या मान लीजिए कि इंटीग्रल वाई डी एक्स का जो भी वैल्यू आई उसमें उस वो जो भी फंक्शन आएगा उस फंक्शन में एक बार में अपर लिमिट लिखूंगा, जो भी आएगा इंटीग्रेट करने के बाद कुछ तो वैल्यू आएगी, तो जो भी आएगी उस फंक्शन के अंदर में एक बार अपर लिमिट लिखूंगा, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर उसी के अंदर एक बार में लोअर लिमिट लिखूंगा। तो इंटीग्रल वाई डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस, यहां पर पहले तो आप इसको जैसे इसको करना है तो आपको ऐसे करना होगा, समझिएगा इसको ध्यान से, पहले तो आप इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल मान के इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट किया और कोई फंक्शन मान लो एफ आ गया, जो भी वैल्यू आई एफ आई, तो एक बार एफ में ऊपर अपर लिमिट रखेंगे, मतलब जहां भी एक्स था वहां पर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ये इंटीग्रेशन जो है इस तरह से होता है। अब ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और इसमें एक डेफिनेट एक निश्चित वैल्यू आती है। अब देखिए मैं कुछ सवाल दूंगा जहां से ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक सवाल करके बताता हूं, सपोज करिए हमें इंटीग्रल एक्स डी एक्स जो है लिमिट वन टू टू ये निकालना है, तो सबसे पहले तो ये इसको नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे मान के इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, फॉर्मूले के हिसाब से एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, फिर इसमें हम लिमिट लगाएंगे वन टू टू। वन टू टू लिमिट लगाने का मतलब अब क्या है कि ये जो भी फंक्शन आया है इस फंक्शन में एक बार अपर लिमिट रखो, तो जाएगा टू का स्क्वायर बाई टू माइनस वन का स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 माइनस वन ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाई टू हो जाएगा। तो इंटीग्रल x dx की जो वैल्यू आएगी ना लिमिट 1 टू 2 ये 3 बाई टू के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या है, तरीका यही है कि हम एक बार तो इसमें ये लिमिट लिमिट कुछ देखेंगे नहीं, इसको सीधे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका x टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। x टू दी पावर n का फार्मूला याद करो, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता था x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये x की पावर 1 है, तो x टू दी पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, फिर लिमिट रखे। अब ये अपर लिमिट इसमें रखेंगे, इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट एक बार रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, फिर इस तरह से कर देंगे। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। चलो कुछ एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करते हैं, इसको करते हैं इंटीग्रल ऑफ cos t dt लिमिट 0 टू पाई बाई टू, लिमिट रख दी मैंने इंटीग्रल ऑफ cos t dt लिमिट 0 टू पाई बाई टू। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो जो cos का इंटीग्रेशन होता है सिंपल वैसा ही इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin, हो गया sin t, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई टू, ठीक है, 0 से पाई बाई टू रखेंगे। अब ये बराबर जाएगा sin ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ जीरो, साइन पाई बाई टू वन होता है, साइन जीरो वन के बराबर होता है, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये वन के बराबर हो जाएगी। तो आप देखें जब डेफिनेट इंटीग्रेशन किया जाता है तो एक निश्चित कोई वैल्यू आ जाती है।
इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो लास्ट में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ही जुड़ते थे, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, कुछ और चलो सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो y इज इक्वल टू है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। ठीक है, ये y की वैल्यू है, तो क्वेश्चन पता लगाना है आपको, आपको पता लगाना है इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट 4 to 9। हमें ये चीज पता लगानी है, इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट 4 to 9। एक मिनट का पॉज लेके पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब जैसे अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स dx 4 to 9, ये हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने पर ये रूट एक्स है, तो मैं दोनों को अलग अलग लिख देता हूं, इंटीग्रल ऑफ 4 to 9, रूट एक्स को मैं लिखूंगा x टू द पावर 1/2, और 1 अपॉन रूट एक्स को लिखूंगा मैं dx प्लस 1 अपॉन रूट को x को लिखूंगा मैं x टू द पावर -1/2 dx लिमिट वाई 4 to 9। मतलब दो थे ना ये, तो इसको अलग जोड़ था, इसको अलग इंटीग्रेट किया, इसको अलग इंटीग्रेट किया, तो ये इस तरह का फंक्शन आ गया। अब ये जो फंक्शन आया है इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें, तो अब ये जो फंक्शन था इसको इसको उठा के मैं इधर लाता हूं, x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। इन दोनों को उठा के ये वाला फंक्शन इधर लाता हूं मैं, तो ये सॉल्व करने पर आएगा x टू द पावर 1/2 का हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 लिमिट 4 to 9। दूसरा वाला जो है ये x टू द पावर -1/2 था, इसको भी उठा के लाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 4 to 9, ये हो जाएगा। अब हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 लिमिट 4 to 9 प्लस एक माइनस वन बाई, ये एक्स टू दी पावर 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x^(1/2) लिमिट 4 to 9, ये हो जाएगा। अब इसमें जब हम लिमिट रखते हैं तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर में अपर लिमिट पहले 2/3 तो कॉमन है ही, चलो कॉन्स्टेंट ही है। एक बार मैं 9 to the power 3/2 लिखता हूं, फिर -4 to the power 3/2 ये हो गया, प्लस ये 9 to the power 1/2 -4 to the power 1/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 9 to the power 3/2 जो आएगा, अगर मैं 9 to the power 3/2 लिखना चाह रहा हूं तो 9 to the power 3/2 के बेसिकली क्या हो जाएगा, 9√9, तो 9 to the power 3/2 हो जाएगा 9√9। तो ये देखिए मैं ऐसे लिखता हूं, ये हो गया 2/3 और ये 9√9 हो जाएगा -4√4 प्लस 2, √9 होगा 3, √4 हो जाएगा 2, और ये और सॉल्व करता हूं मैं तो ये हो गया 2/3, √9 3 हो गया, 9 × 3 = 27 और √4 2 हो गया, तो 4 × 2 = 8 प्लस 2, 27 में से 27 जो है इसमें से हट जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो 19 × 2 कितना हो जाएगा, 38/3 प्लस 2, 27 - 8 जो है वो 19 हो जाएगा ना, 19 हो गया, 19 × 38 38/3, तो ये सॉल्व कर 6 और 38 और 6 कितना हो जाएगा 44/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं।
तो जैसे हमने आपको बताया था डिफरेंशिएशन की अपनी एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है, कोई भी कर्व है अगर उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप यानी टैन थीटा होता है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। वैसे ही इंटीग्रेशन की भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती है। इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो एरिया अंडर द कर्व से दी जाती है। ज्योमेट्रिकली जो है हम लोग कर्व के नीचे का एरिया निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, इसी को हम लोग एरिया अंडर द कर्व नाम से भी जानते हैं। एरिया अंडर द कर्व के नीचे का जो एरिया है वो निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक इंटीग्रेशन को ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं। तो कर्व के नीचे का जो एरिया है उसको किस तरह से निकाला जाता है, देखिए सपोज करिए कि ये कोई एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और हमने वाई और एक्स के बीच का ग्राफ बनाया है। ऐसे मान लीजिए वाई और एक्स के बीच का ग्राफ बनाया हमने और हम एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक, एक्स वन से लेके एक्स टू तक इस ग्राफ के नीचे का जितना भी एरिया है उसका पता लगाना चाहते हैं। यहां से यहां तक जो भी एरिया है उस एरिया का हम पता लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए मैं ऐसा करूंगा कि एक छोटी सी यहां पे स्ट्रिप ले लेता हूं, एक बहुत छोटी सी पट्टी ले लेता हूं स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने dx मान ली और इस स्ट्रिप की जो ऊंचाई है वो मैंने y मान ली। तो ये जो मैंने एक छोटी सी पट्टी ली है, इस पट्टी की जो ऊंचाई है भाई ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, बहुत महीन सी पतली सी पट्टी ली है तो ये dx मैंने इसकी मोटाई मान ली, ऊंचाई y मान ली। dx जो होता है, dx का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब dx या कहीं भी dx dy dt जब भी कहीं आपको मिले तो उसका मतलब आप ऐसे निकालना कि dx बहुत इतना छोटा है कि ये दिखेगा ही नहीं। वो तो दिखा मैं इसलिए रहा हूं कि नहीं दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए दिखा रहा हूं, लेकिन dx बहुत स्मॉल होता है। मतलब dx को आप ऐसे समझो कि जो आप दुनिया में सबसे छोटा नंबर सोच सकते हो उससे जरा सा और छोटा होता है। dx का मतलब यही है कि जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आप इमेजिन कर सकते हो उससे जरा सा और छोटा, मतलब ये जीरो के ठीक बाद वाला नंबर होता है। तो ये बहुत जरा सा एक छोटी सी डिस्टेंस है, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं तो आपको दिखेगी नहीं तो कैसे आप समझेंगे। तो dx बहुत छोटी सी डिस्टेंस है और इस स्ट्रिप का जो y कोऑर्डिनेट है y है, तो ये जो जरा सी स्ट्रिप है इसका जो एरिया आएगा उसको अगर मैं ds से दिखाऊं तो इसका एरिया हो जाएगा y dx। ये जरा सी स्ट्रिप जो है इसका एरिया y dx हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसका x1 से x2 तक इंटीग्रेशन जा रहा है और जब हम यहां से शुरू करेंगे तो इस कर्व के नीचे कोई एरिया नहीं था, बढ़ते 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 एरिया पलता चला जाएगा तो इसका जाएगा जीरो से ए तक। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इंटीग्रल डी ए हो गया और इंटीग्रल ये जीरो से ए लिमिट रख दे रहा हूं मैं, ये इंटीग्रल वाई डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू हो गया। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ए जो आएगा एरिया अंडर द कर्व ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू। ए जो आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स ए वन टू ए टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्व का एक्स वन से एक्स टू तक एरिया जो होता है वो इंटीग्रल वाई डी एक्स के बराबर होता है। जब अब आगे से इंटीग्रल वाई डी एक्स जो होगा, जो लिमिट हम रखी है एक्स वन से एक्स टू तक, तो एक्स वन से एक्स टू तक का जो पूरा एरिया होता है, ठीक है पूरा एरिया, चलो पूरा एरिया मैं किसी और कलर से बनाऊंगा जिससे आप इसको और अच्छे से विजुलाइज कर पाए। तो ये जो पूरा एरिया होता है एक्स वन से एक्स टू तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है इंटीग्रल वाई डी एक्स के बराबर होता है। तो किसी भी कर्व के नीचे का, किसी भी वाई एक्स कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो इंटीग्रल वाई डी एक्स के बराबर होता है और जो लिमिट जाती है वो एक्स वन से एक्स टू जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो टोटल एरिया है वो इंटीग्रल वाई डी एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं नोट भी कर दे रहा हूं, जैसे ये तो एक बात हो गई, अब इसको मैं शब्दों में लिख रहा हूं जिसको आपको याद रखना है। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है काइनेमेटिक्स में होगा, ऑप्टिक्स में होगा, थर्मोडायनेमिक्स में होगा, और उसमें क्या बोलते हैं आपका थर्मल कंडक्शन में इसका इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इस्तेमाल होता है एरिया अंडर द कर्व का, करंट में होगा, मतलब हर ब्रांच में, कैपेसिटर में, हर ब्रांच में एरिया अंडर द कर्व का इस्तेमाल होता है। तो ये आपको समझना है कि अगर इंटीग्रल वाई डी एक्स जो है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख रहा हूं एरिया
बिलो द कर्व एरिया बिलो द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस, ये एरिया मैंने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया है, इधर नहीं प्रोजेक्ट किया है. एरिया बिलो द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू. एरिया बिलो द कर्व, या कर्व के बजाय मैं यहां वाई एक्स कर्व लिखना पसंद करूंगा. एरिया बिलो द वाई एक्स कर्व, एरिया बिलो द वाई एक्स कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस, एक्सिस में भी यहां एक्स एक्सिस, थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं. एरिया बिलो द वाई एक्स कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू पूरा स्टेटमेंट सही हो गया. एरिया बिलो द वाई एक्स कर्व प्रोजेक्टेड ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एक्स एक्स वन टू एक्स टू. और इसका इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर होता है. जैसे किसी भी कर्व के नीचे का एरिया जो होता है वो इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है लिमिट एक्स वन टू एक्स टू. तो एक सवाल मैंने आपके सामने रखा हुआ है. सवाल ये है कि एक कर्व है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स और इसके नीचे जीरो से पाई बाई टू तक कितना एरिया आएगा ये आपको पता लगाना है. तो इसका पता लगाने के लिए जो एरिया की अपनी डेफिनेशन थी बेसिक वो कितनी थी, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट एक्स वन टू एक्स टू. तो वाई की जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो आ रही है इंटीग्रल ऑफ टू साइन एक्स, वाई आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ टू साइन एक्स इंटू डी एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई टू ये आ जाएगा. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे तो टू तो बाहर आ गया. साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, जो भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स. हम लोग जानते हैं टू बाहर आ गया, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो गया और ये लिमिट चली गई जीरो से पाई बाई टू. अब सॉल्व करेंगे तो माइनस भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू कॉस एक्स. ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी माइनस ऑफ टू कॉस, सॉरी माइनस टू आ जाएगी. और एक बार माइनस टू बाहर ले लिया, एक बार एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे तो यह हो जाएगा कॉस पाई बाई टू. फिर एक बार x की जगह जीरो रखेंगे माइनस कॉस जीरो आ जाएगा. कॉस पाई बाई टू जीरो हो गया, कॉस जीरो वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टू के बराबर हो जाएगा. कॉस जीरो वन होता है, दो माइनस प्लस के बराबर जाएंगे तो टू के बराबर हो जाएगा. तो इस तरह से ये एरिया आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का एरिया निकाला जा सकता है. कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का एरिया हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. एक चलिए और सवाल करते हैं. एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड एरिया अंडर द कर्व कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू टू. जो फंक्शन दिया है वो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है और एक्स बराबर वन से एक्स बराबर टू तक आपको एरिया निकालना है. तो एक मिनट का आप पॉज लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, तो अब जैसे मुझे एरिया निकालना है वाई बराबर टू एक्स प्लस वन का, तो ये जो एरिया आएगा वो इस हिसाब से दिया जाएगा इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट वन टू लिमिट टू. फिर मैं वाई की वैल्यू रखूंगा यहां पर इंटीग्रल ऑफ टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स लिमिट वन टू टू. फिर सॉल्व करूंगा मैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स लिमिट वन टू टू. अब मैं जैसे जो एरिया मुझे चाहिए था वो एरिया होता है इंटीग्रल वाई डी एक्स वन से टू. अब इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा मैं
तो जैसे ये 2x था तो 2 तो बाहर आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 टू 2, और यहां x टू दी पावर 0 था तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाता है, इसमें भी लिमिट 1 टू 2 हो गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो भाई ये 2 से ये 2 चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस 1, तो ये 4 के बराबर जाएगा। तो आपको y बराबर 2x प्लस 1 जो कर्व है उसके नीचे का एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो किसी भी कर्व के नीचे का एरिया जो होता है उसके बराबर होता है।